18 सीटों पर हुए उपचुनाव में से रुझान आने शुरू हो गए हैं। 15 सीट के रुझान आए हैं। पंजाब की 2 सीट में एक कांग्रेस, एक पर अकाली, मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर बीजेपी और बिहार की 10 सीटों में 5 सीटों पर बीजेपी और 5 सीट पर महागठबंधन यानी 2 सीट पर आरजेडी, 2 पर कांग्रेस और 1 पे जनता दल यूनाइटेड आगे चल रही है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में सब कुछ उड़ाकर ले गई बीजेपी और नरेंद्र मोदी की छवि तले हर चीज बौनी होती चली गई, उसमें यह उपचुनाव बिहार के लिए कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की वजह से ही गठबंधन तोड़ा और उसके बाद अपने उस दुश्मन से हाथ मिलाया और ये कह के मिलाया कि दरअसल अब कोई रास्ता नहीं बचता है, तो क्या ये रास्ता आगे जाएगा? और दूसरा बड़ा सवाल है, बीजेपी के जहन में वो कौन सा सपना है जिसके ज़रिए वो देख रही है कि दरअसल बिहार को और बेहतर तरीके से बनाया जा सकता है? शनवाज जी, एक सवाल वाकई हर जहन में है कि उपचुनाव के जरिए कोई सरकार तो बिहार में बनने वाली है नहीं, लेकिन बिहार को लेकर कोई सपना किसी राजनीतिक दल के जरिए निकलकर आया नहीं है, सिवाय इसके कि गरीब गुरबों का जिक्र करके बार बार सत्ता में आने का सिलसिला जरूर रहा है। स्थिति बिहार की सामाजिक और आर्थिक तौर पर बिगड़ती चली गई है। कोई विजन है बीजेपी के पास? देखिए, जो आपने कहा ना, मैं आपके सवाल से अपने जवाब को संबद्ध करता हूँ कि 15 साल करीब 25 सालों से वो जो दिक्कतें बिहार के लोगों को है, और ये सही है कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में बिहार के अंदर लालू जी और नीतीश जी का मिलना, कांग्रेस वहाँ कोई मैटर नहीं करती है, लेकिन लालू जी और नीतीश जी का मिलना ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और हम पिछले जब ये गठबंधन हुआ तब से नीतीश जी को जानते हैं, वो लालू जी से किस हद तक उनका झगड़ा था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो राम मंदिर आंदोलन में भी हम रहे और उसके बाद अगर सबसे पहले किसी पार्टी ने, नेता ने आकर बीजेपी से हाथ मिलाया, जब हम अनटचेबल कहे जाते थे, तो वो नीतीश कुमार थे। और 93 के बाद 96 में उन्होंने, यानी 92 में अयोध्या का आंदोलन था, उसके बाद फिर चुनाव हुआ और वो आकर हमसे मिले, क्योंकि समता पार्टी उन्होंने बनाई और पहली बार लड़े जब ज्वाइंट बिहार था, तो 342 में उनको 7 सीटें मिली थी। उनको लगा बिना बीजेपी के कुछ नहीं होगा, और वो पहला चुनाव था जब 7 मिली। इस बार वो अकेले लड़े, 2 सीट मिली, और 2 सीट के बाद उन्होंने तय किया, किसी भी राजनीतिक दल को निर्णय करने का अधिकार है कि वो किसके साथ जाए, इसलिए बड़ा स्टेक है। अगर बीजेपी आप 10 में से 6 पर बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं, आपके वो जो अभी रुझान है, तो आप ये समझ जाइए कि 60% सीट बीजेपी के पास है, और 4 में कहीं हमारे मुकाबले 4 सीट, ये भी याद रहे 4 सीट लालू जी लड़े हैं और 4 सीट नीतीश जी लड़े हैं और 2 कांग्रेस लड़ी है, तो अभी ज्यादा घाटा होता हुआ जेडीयू को दिख रहा है। नहीं शनवाज जी, शनवाज जी इस आंकड़ों में ना जाइए, एक नई चीज बताइए, क्योंकि ये तो सही है कि बीजेपी, क्या बिहार की राजनीति करवट ले रही है, बिहार का वोटर करवट ले रहा है और नई परिस्थिति में चीजों को देखना चाहता है? और इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल छपरा का है। छपरा में आरजेडी के उम्मीदवार रणधीर सिंह आगे चल रहे हैं, जो प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं, लेकिन वहां पर आरएसएस से निकला हुआ एक शख्स, जो आरएसएस का स्वयंसेवक रहा, जिला के तौर पर देखते रहा, सीएन गुप्ता, वह विद्रोही उम्मीदवार के तौर पर सामने आता है बीजेपी के कन्हैया सिंह के खिलाफ। तो क्या जो आप लोगों के भीतर एक, अब जैसे ही होता है कि अब सत्ता आ ही जाएगी, तो उसमें एक बिखराव भी है कि सत्ता हमें मिलनी चाहिए कि आपको मिलनी चाहिए, एक नए तरीके की स्थिति यह भी पैदा हो रही है कि आरएसएस के भीतर से भी लोग निकल रहे हैं? नहीं, वो वहाँ के स्वयंसेवक हैं, कोई आरएसएस के बड़े नेता नहीं या उनके बड़े पदाधिकारी नहीं थे, लेकिन ये सही है कि जब आप जीतने वाली पार्टी होते हो तो उम्मीदवार की भी संख्या बढ़ती है और लोगों की अपेक्षा भी पार्टी से बढ़ती है, तो वहाँ पर ये सही है कि वो अलग से चुनाव लड़ गए, लेकिन बिखराव नहीं है, बीजेपी एकजुट है और लालू जी नीतीश जी इकट्ठे हैं, और फिर भी हम लोग आगे चल रहे हैं, ये हम लोगों के लिए एक
शुभ संकेत है और हम ये समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति जो आपने कहा वो सही है, करवट ले रही है। बिहार ने सारे एक्सपेरिमेंट हो गए हैं, सबको देख लिया है, कांग्रेस के शासन को देखा और लालू जी के शासन में कांग्रेस साथ थी वो भी देखा, फिर नीतीश जी के साथ हम लोग थे और अभी नीतीश जी अकेले आरजेडी के सपोर्ट से हैं, तो इस शासन को भी देखा है जी। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता एक बार हम लोगों को मौका देगी फुल फ्लैज और हम लोगों को अवसर देगी कि एक बार बिहार की तस्वीर को हम संवार सकें, क्योंकि अभी तक जो ब्रांड बिहार है, जब आपने पहला सवाल उठाया कि हॉस्पिटल का सवाल, वहाँ पर जल जमाव है, तो पुन प्रसून जी ये मेरी बात नहीं आपकी बात है, आपने कहा सेना बुलानी पड़ती है जल जमाव के लिए भी, बिल्कुल, तो ये सब सवाल है जो बिहार की तस्वीर को दिखाता है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी अब ये उम्मीद करती है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में एक फेज में जिस फेज में मैं चुनाव लड़ा वो सारी की सारी सीटें हम लोग हार गए थे, लेकिन उसके अलावा जितने भी फेज हैं सब में और सारे दल हार गए, सिर्फ एक नालंदा की सीट जेडीयू जीती थी, बाकी सारी सीट हमारा गठबंधन जीता है। यानी आप बिहार का जो सीमांचल का क्षेत्र है जिसमें यहाँ 24 को चुनाव था, वहाँ हमारे 5 सीटिंग एमपी और 3 सीटें और, तो 8 सीट हम लोग वहाँ हारे, तो उसके बाद के जितने भी चुनाव हुए सब हम लोग जीते हैं। और अभी जो रुझान है और हमें उम्मीद है, क्योंकि आज रुझानों पर बहुत दावा करने का दिन नहीं है, नहीं यकीन हम इस चीज को जरा आगे हम एक मिनट लालू जी और नीतीश जी, लालू जी नीतीश जी मिलेंगे और बीजेपी खत्म हो जाएगी ऐसी भविष्यवाणियां की जा रही थी, लेकिन अभी जो रुझान है वो भविष्यवाणी को झुठला रही है। नहीं, ये रुझान कई मैसेज भी दे रहे हैं। अभिषेक, आप चूंकि ग्राउंड में हैं, आप लगातार चुनाव प्रचार के दौरान घूम रहे थे, मिल रहे थे, वोटिंग पैटर्न आप देख रहे थे, मॉडल वोटर के लिए जो बनाया गया था वहां लोगों की तादाद कम थी, 6 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, क्या आपके पास और जानकारी आ रही है अभिषेक? प्रसून जी देखिए, 6 सीटों पर अभी तक बीजेपी आगे आ रही है, अभी जो तुरंत SMS आया है इलेक्शन कमीशन का उसके मुताबिक, लेकिन एक चीज देखने में मिल रही है कि जहां आरजेडी जीत रही है वहां उसका मार्जिन काफी ज्यादा है। जैसे छपरा में तकरीबन 5,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं प्रभुनाथ सिंह के बेटे, कुछ वही हाल मोहद्दीनगर में है, तकरीबन 8,000 से आगे हैं आरजेडी के उम्मीदवार। लेकिन जहां बीजेपी और इनके बीच वैसे ही पर्वत्ता में भी काफी आगे चल रहे हैं जेडीयू के उम्मीदवार, लेकिन जहां जहां बीजेपी आगे है वहां बहुत कम वोटों से, कहीं 1,000, कहीं 800, कहीं 700 इस तरीके से। तो आरजेडी की जो 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 सीटें हैं वहां पर काफी ज्यादा मार्जिन दिखाई दे रहा है प्रसून जी, लेकिन इन सब के पीछे एक चीज और कही जा सकती है। जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे छपरा की, तो छपरा का में अभी तक जितनी पोलिंग हुई है उसमें बीजेपी का जो बागी कैंडिडेट है जो आरएसएस से जुड़ा रहे हैं वो और बीजेपी दोनों मिलकर के भी जो आरजेडी को वोट आया है उससे कम है। तो ये एक चीज दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इस महागठबंधन ने जो वोटों के बिखराव को रोकने की कोशिश की है उसमें वो कुछ हद तक, काफी हद तक सफल हुए दिखाई दे रहे हैं अभी तक के रुझान के हिसाब से जो पता चलता है। दूसरी बात ये है कि वोटों का परसेंटेज बहुत कम रहा है, खास करके शहरों में बहुत कम रहा है वोटों का परसेंटेज, जबकि गाँव में कुछ ज्यादा रहा है, तो इसका असर भी जमीन पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर भले ही बीजेपी आगे दिख रही है कई सीटों पर, 6-4 का जो अभी का आंकड़ा बता रहा है चुनाव आयोग उसके मुताबिक, लेकिन बहुत टफ कह सकते हैं, बहुत कांटे की लड़ाई दिख रही है 6 सीटों पर, जबकि जिन 4 सीटों पर आगे चल रही है आरजेडी वहां कंफर्टेबल मार्जिन दिखाई दे रहा है। प्रसून जी जी, अरुण रंजन जी, जिक्र में देखिए कहीं नीतीश कुमार का नाम नहीं आया जिसका जिक्र हो रहा था, हमारे संवाददाता बता रहे थे 1 सीट पर आगे चल रहे हैं, 4 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, और जिस सीट पर ये आगे चल रहे हैं वहां पर 1,200 वोट से वो आगे चल रहे हैं जो जानकारी आ रही है। सवाल यह है कि क्या ये नीतीश का एक ऐसी परिस्थिति में नीतीश आके फंस गए जहां अपने डिसीजन से उन्होंने बीजेपी को अलग किया, अपने डिसीजन से उन्होंने मांझी को बैठा दिया, अपने डिसीजन से वो लालू के साथ आके खड़े हो गए, तीनों स्थिति में सिर्फ नीतीश कुमार केंद्र में थे, क्या ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की आखिरी लड़ाई है या आप देखते हैं कि उनके राजनीतिक प्रयोग जारी रहेंगे? नहीं, जहाँ तक इस अभी जो राजनीति हुई जिसमें लालू जी और नीतीश जी एक साथ आए हैं, ये तो दिख रहा है कि अगर क्षति होगी तो नीतीश कुमार जी की ज़्यादा क्षति होगी लालू जी की तुलना में। जी, ये कुछ उस तरह से है। अब
फिर हमारे मित्र लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, रिएक्ट होता है चीज़ों में। जिस तरह से बीजेपी के साथ रामविलास जी एक मतलब साथ के बस पार्टनर हैं, उसी तरह भीतर में लालू जी के साथ नीतीश जी सिर्फ सेकेंडरी पार्टनर हैं, उनको क्षति होगी उसमें। एक मिनट, मनीषा प्रियम जी आप भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, रुझान का मैसेज क्या है आप बिहार को लेकर? और रुझान का मैसेज ये है, सबसे पहली बात कि बीजेपी के लिए कांटे की टक्कर तो अब है। एक तरह से ये अरिथमेटिक जो था, जिसको बिना पॉलिटिकल मीनिंग के अरिथमेटिक मैं समझती थी और कहती थी, वो एक कांटे का टक्कर बीजेपी को देगी। लेकिन जहां तक नीतीश के पूरे मॉडल और एक्सपेरिमेंट का सवाल है, वो लगभग अब ये कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीतिक इतिहास के नेपथ्य में जा चुका है। और जो एक टसल थी जब उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन छोड़ा, तो ये माना जाता था कि लालू जी उस वक्त जेल गए, और ये माना जाता था कि अब्दुल बारी सिद्दीकी, जिनको उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर कहा कि हम लोग एक ही राजनीतिक धारा के नेता हैं, आप हमारी तरफ आइए, आरजेडी के नेता उनकी तरफ आकृष्ट नहीं हुए। तो जो अंदरूनी उनके अंदर जो एक रस्साकशी है, उस रस्साकशी में कहीं ना कहीं समाजवादियों का पुराना धड़ा, जो एक ओरिजिनल धड़ा है, वो कहीं जीतता हुआ नजर आ रहा है। और जो भी एक्सपेरिमेंट नीतीश कुमार ने पसमांदा मुसलमान के साथ किया, वो मुसलमान एक तरह से ध्रुवीकृत होकर के आप देखें कि वो आरजेडी की तरफ जा रहा है। और यही वो कारण है कि कांग्रेस भी अपना सर उठा पा रहा है। आपके पैनल पे शाहनवाज जी भी हैं, भागलपुर में उनकी जो हार हुई, और भागलपुर में अभी के जो रुझान हम देखते हैं, वो ये स्पष्ट दिखलाता है कि बिहार एक पोलराइज राजनीति की तरफ अब जा चुका है, एक तरफ भाजपा और दूसरी तरफ समाजवादी। और यही वो टक्कर होगी कहीं ना कहीं, जिसमें बीजेपी को भी अब कुछ करना पड़ेगा कि वो इस जो अरिथमेटिक कॉम्बिनेशन है उसमें सेंध लगा के, और अपने राष्ट्रीय छवि का, अपने राष्ट्रीय दल होने का उपयोग कर, क्या वो एक स्थानीय चुनाव जो है या स्थानीय राजनीति को जीत पाएंगे, ये सवाल आने वाले दिनों में अहम होगा। 6 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, 4 सीट पर महागठबंधन, लेकिन इन सब के बीच कुछ नए सवाल हैं। क्या ये उपचुनाव के रुझान इस बात को दिखा रहे हैं कि कुछ प्रयोग जो इससे पहले होते रहे उनकी उम्र पूरी हो चली है? अली अनवर जी, पासवानदा समाज, इसका जिक्र मनीषा प्रियम ने भी कर दिया, चूंकि हम सोच ही रहे थे कि इस बात पे आएंगे, क्या वाकई जो स्थिति इससे पहले थी, चाहे वो मंडल की हो या कमंडल की हो, और फिर मंडल में भी कई हिस्सों में बांटा गया, क्या वाकई उसकी उम्र पूरी हो चुकी है? और जितना इनकैश किया जाना था कई चुनाव में बीते 20 बरस में बहुत हो चुका है, अब एक नई राजनीति आहट नहीं ले रही है? अली अनवर जी, देखिए पुण्य प्रसून जी, पसमांदा जो शब्द है वो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी पसमांदा हैं। और ये अच्छी बात होगी कि जो ये हाशिए के लोग हैं वो संगठित हों और एक साथ आवें धर्म को किनारे करके, यही कोशिश है। और जब जब ये कोशिश होती है तो लोग घबरा जाते हैं, और इसीलिए जो कहा जा रहा है कि ये महागठबंधन या गठबंधन, तो ये अननेचुरल नहीं है। आप देख लीजिए, लालू जी नीतीश जी जेपी आंदोलन में थे, जनता पार्टी में थे, जनता दल में थे, अननेचुरल अलायंस तो वो था जो बीजेपी के साथ था। तो इसीलिए इसमें कोई लोग कह रहे हैं, जैसा कि अनहोली कह रहे हैं और ये विनाशकारी होगा, तो इस तरह की बात नहीं है। खुश होना चाहिए लोगों को कि अगर दो भाई आपस में लड़ गए थे किसी वजह से, होता है, एक घर में भी होता है, सिर्फ टवल होता है, केस मुकदमा होता है, लेकिन कोई बड़ा सवाल आ जाता है समाज के सामने, परिवार के सामने, गांव के सामने, तो लोग एक हो जाते हैं। तो उसी तरह की घटना है, कुछ नखरूस लोग होते हैं हर जगह, गांव में भी चाहते हैं भाई भाई लड़े, उनका चले तो मियां बीवी में झगड़ा करा दें। तो अगर एक हुए हैं दोनों, ये ठीक है, सलाह देनी चाहिए। अरुण रंजन जी हैं, बहुत वरिष्ठ आदमी हैं, आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, या सबको हक है कि भाई जो भी गलतियां रही हैं
उनका उनका परिमार्जन हो, उनका सुधार हो, लेकिन भाई भाई नहीं लड़े, एक स्कूल के लोग हैं तो वो मिल करके ज्यादा तेजी से इस सूबे का और इस मुल्क के भी विकास में योगदान कर सकते हैं। तो ये तो शुभ लक्षण है कि नीतीश और लालू एक साथ आए हैं, वो क्यों लड़े, दोनों जब समाजवादी हैं, कोई फंडामेंटल तो ये नहीं है। मान लीजिए थोड़ा ईगो का क्लैश हो सकता है, थोड़ा लड़ाने भिड़ाने वाले लोग हर जगह होते हैं, उन लोगों का योगदान हो सकता है। नहीं, ये आप, ये जो आप कह रहे हो, नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात ये आप कह रहे हो। और रंजन जी, एक हम इस पे जरा से कमेंट चाहेंगे, क्या लालू और नीतीश का एक साथ आना, चुनाव में जीत नहीं मिलना, चीजें टिकी रहेंगी, जिसका जिक्र अली अनवर जी कर रहे, विधायक सब क्या सोचेगा कि सब भाग नहीं जाएगा? नहीं, देखिए अभी तो बहुत डिटेल में पूरे डिस्कशन में ये आया है कि लालू जी कितने साल राज कर चुके, नीतीश जी कितने साल राज कर चुके। मुद्दा लालू नीतीश जी का नहीं है, मुद्दा बिहार का है, मुद्दा बिहार के ठिठक जाने का, रुक जाने का, असमंजस में होने का है। तो बात का जो फोकस है, बात का जो पूरा रिजल्ट आना चाहिए, वो बिहार पर है। बिहार पिछड़े शासनकाल में और पीछे के, उसके पीछे चलिए तो कांग्रेस का हर साल एक मुख्यमंत्री आता था, फ्लॉप करके चला जाता था। ये 25 साल नहीं बर्बाद हुआ है, ये 35-40 साल बर्बाद हो गया है। तो अब एक नए ढंग से फिर दोबारा एक, हम तो कहेंगे कि फिजिकली एक होना, दो दल फिजिकली एक होकर लड़ रहे हैं, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि अगर इसके बाद मंडल के फोर्सेस को टक्कर देना है नरेंद्र मोदी को, तो अपने में बड़ा बदलाव लाना ही पड़ेगा, विकास के प्लैंक को रखना ही पड़ेगा, उसको इफेक्टिवली बोलने से नहीं होगा, उसको इफेक्टिवली विश्वसनीयता के साथ लाना होगा। और नरेंद्र मोदी जी को अगर केंद्र के अतिरिक्त राज्यों में अपना फैलाव करना है तो उनको भी बहुत सारा चीज़ अपना देखना पड़ेगा। जैसे अभी ये चुनाव में वो सबसे बड़ा कैंपेनर कहीं दिखा नहीं। मुझे तो याद आ रहा है कि जब वोटिंग हो रही थी तो करीब 10:30 बजे अचानक उन्होंने ट्वीट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, जिस समय कम से कम वोट पड़ रहा था। तो इसमें देखिए जो सिनेरियो है वो ये है कि मंडल की जो ताकतें हैं वो अब यहाँ पर उनका एकदम से समझिए कि एकदम रुकावट आ गई है, वो कहीं ना कहीं इस तरफ बीजेपी से कुछ ना कुछ लेगी, लेना पड़ेगा, कुछ मुद्दा इधर से लेना पड़ेगा और बीजेपी को भी इनसे लेना पड़ेगा, लिया है बीजेपी ने भी, कहिए बहुल जात बहुल एक खास फॉर्मेट को अपने साथ कर लिया है। एक राजनीति तो बदलना ही है, बदल रही है, हम लोग बदली हुई। मनीषा जी, क्या ये स्थिति आ गई है कि दोनों को एक दूसरे को लेकर आपस में आगे बढ़ना पड़ेगा जो बिहार के हित की बात होगी? नहीं, दोनों धड़ों के लिए दो तरह के सवाल जो हैं वो अहम हैं। भाजपा के लिए ये अहम है कि उनका जो स्थानीय उनकी संस्था है उसमें अंदरूनी बहुत यह है, किसी एक को वो बड़ा नेता नहीं मानते। तो अब ये बारी लगभग स्पष्ट है कि छोटे मोदी की ताजपोशी की बारी है, लेकिन स्थानीय जो उनमें आपस में खींचतान है वो उनको खत्म करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो केंद्रीय बीजेपी का जो रवैया था वो यही था कि इस बार जितना झगड़ना है आपस में वो झगड़ लें, ताकि एक सेंट्रल डिसिप्लिन जो है इस रिजल्ट के बाद उन पे इम्पोज की जाए, और ये आपस में जो वो मानने के लिए तैयार नहीं कि एक चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट वो प्रोजेक्ट करेंगे, तो इंटरनल फैक्शनलिज्म पर रोक लगाना ये भाजपा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा वो होगा। लेकिन दूसरा जो गठबंधन का सवाल है, वहां आप देखेंगे तो गठबंधन में मेन फोर्स क्या है, मेन फोर्स गठबंधन में यह है कि एक तरह से ध्रुवीकरण हुआ माइनॉरिटीज का उस गठबंधन की तरफ, तो गठबंधन के पास एक वोट बैंक रहेगा और वो वोट बैंक प्राइमरली माइनॉरिटीज का वोट बैंक है। लेकिन गठबंधन में जो दिक्कत आएगी वो ये होगी कि गठबंधन में लगभग जदयू का जो विकास का प्लैंक था वो अब कहीं ना कहीं नेपथ्य में चला जाएगा, तो विकास का पूरा प्लैंक जो है वो अगले विधानसभा चुनाव तक शायद बीजेपी की तरफ आए, और माइनॉरिटी वोट बैंक का जो पूरा ध्रुवीकरण है। आपने एक बड़ा इंडिकेशन दिया है कि क्या बीजेपी के भीतर का अंदरूनी संकट में अब दिल्ली से कोई लीडर यहां से भेजा जाएगा। शहनवाज जी हमारे साथ जुड़े हुए, हम जरा पूछेंगे।